सुजानपुर के पुल नंबर 4 के पास एक ट्रॉले की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस संबंध में जानकारी देते हुए चश्मदीद समीर ठाकुर ने बताया कि ओवर स्पीड ट्रॉला PB03AP9587 माधोपुर से अमृतसर जा रहा था कि रास्ते में उसने छोटा बनवाल के रहने वाले अश्विनी कुमार पुत्र लेखराज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अश्विनी कुमार अपने भाई सुनील कुमार के साथ सुजानपुर में अपने गांव बनवाल जा रहा था। ए मुड़ा साडा ही बाजार दिहाड़ी लान रहा ही, तो शामी वापस आया तो सड़क पार करने वेले पता नहीं लगा बड़ी तेजी से ट्रॉला आ रहा है, उसकी चपेट च आ गया, जिसके करके इसकी डेथ हो गई। मैं भी बाहर ही, मैंने पुलिस के भी फोन आन रही, तो पिंडों भी फोन आन रही, तो जल्द मैं पुजा फिर आके मैं जी डेड बॉडी है चकाया, क्योंकि सिर के उपर ट्रॉले से काफ़ी कुछ बाहर निकल चुके थे ही, तो गड्डी लिया के फिर भेजा, फिर पुलिस की गड्डी आ गई, फिर उस पा के हूँ भेजा। मेरे ही घर के लागे रेंगे, समझ लो कि मेरा भतीजा ही लगता जी, यद नाम अश्विनी कुमार है, तो यदि कोई 38 साल उम्र है, 38-39 साल उम्र, अनमैरिड है जी। फैमिली जो हूँ जल्द पिंड पता लगा तो सारा पिंड ही आ गया जी, 14 भरा भी आई, चाचे ताए भी आई, चाचे ताए के मुड़े भी आए। थोड़े दिन पहले दो मुड़े मरे जी, बिल्कुल जवान 19-20 साल के, वह भी रोंग साइड तो ट्रक आ रहा ही, इतने बिल्कुल अणगहली है, और प्रशासन की मैं तो सरकार का ज़्यादा कसूर क्या, इतों के जोड़े साढ़े जिन्हें भी जो अपने आप लीडर समझते हैं वो ध्यान ही नहीं देंगे चीज़ें, किन्ने तो बच्चे मर गए थे, किन्ने बुजुर्ग मर गए। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।